हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम घर ना चल के जो जनरल साइंस है उसमें अभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसको ही कंटिन्यू रखते हुए फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप उन्हें जाकर के चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में और उन्हें रेफ़र करिए। तो जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो, कंपटीटिव एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट का PCS के एग्ज़ाम हो, आपको मदद मिलने वाली है। थैंक यू। ये उसी से एक उसका एक कंटिन्यूएशन है। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, इसमें करीब हम 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे जिससे कि एक बोरिंग फील ना हो, एक शॉर्ट वीडियो रखेंगे, 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 26 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अमोंग दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अदर थ्री क्लास को बिलोंग नहीं करता है। तो ये टेक्सोनॉमी चैप्टर है, उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो क्लास ऑफ क्रैब है ये ही डिफरेंट है, क्लास ऑफ क्रैब जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो क्रैब है वो बिलोंग करती है मेलकोस्ट्रे का क्लास से। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, मेलकोस्ट्रेटा क्लास से बिलोंग करती है क्या, कैब। कैब बिलोंग करती है मेलकोस्ट्रेटा क्लास से। ओके, क्रैब, ए विल बी द करेक्ट आंसर। और जो माइट है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, ये सारे बिलोंग करते हैं एरेकनेट से, एरेकनेट क्लास से। कौन सी क्लास से? एरेकनेटा क्लास। इसमें और याद रखना, जैसे टिक हो गया, टिक हो गया, माइट हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ये जो स्पेसीज हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे किस क्लास से? एरेकनेडा क्लास से। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वाइट लेग हॉर्न है इज़ अ वेराइटी ऑफ, ये फॉल की एक वेराइटी होती है वाइट लेग हॉर्न। जो फॉल होते हैं उनके पास क्या होता है? वाइट लेग्ड हॉर्न होते हैं फॉल के पास। ओके, वाइट लेग हॉर्न इज वेराइटी ऑफ फॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक एंड माइट आर एक्चुअली, अभी हमने देखा टिक एंड माइट्स क्या होते हैं, दे आर एरेकनेट्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें, टिक एंड माइट बिलोंग टू द वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्लास दैट इज़ कॉल्ड एरेकनेट। दे हैव अ 4 पेयर्स ऑफ लेग। इनके जो 4 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मीन्स कितनी लेग्स हो गई इनके पास? 8 लेग होती हैं, 8 लेग होती हैं। और ऑल दो सम जुबिनल, जो छोटे होते हैं, जुबिनल हैं, अभी पैदा हुए हैं, उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होती है, गैनिंग द 4th पेयर दे विद देयर फर्स्ट मोल्ड। देर इज़ नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ऑफ द एबडोमेन, इंडिविजुअल अपीयर्स एज अ सिंगल बॉडी मास। अब जो एबडोमेन का जो पार्ट होता है उसमें कोई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं होता है, एक इंडिविजुअल ऐसा लग रहा होता है कि वो एक सिंगल बॉडी मास की तरह है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लो बॉम इज वॉट, ग्लो बॉम क्या है? ये एक टाइप ऑफ इंसेक्ट है, इट इज़ एन टाइप ऑफ एन इंसेक्ट। ग्लोबॉम इज मीडियम टू लार्ज साइज इनवर्टिब्रेट ल्यूमिनस इंसेक्ट दैट इमिट लाइट। ये लाइट इमिट करता है। द लाइट ऑफ ग्लोबॉम लार्वा इज गिवन अप बाई स्मॉल ट्यूब्स एंडिंग अराउंड द ग्लोबॉम एनस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है? तो हमने अभी देखा था स्पाइडर जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है एरेकनेडा क्लास से। किस क्लास से बिलोंग करता है? एरेकनेडा क्लास से, क्योंकि मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इसमें स्पाइडर आ जाता है एरेकनेडा में, स्कॉर्पियन आ जाते हैं, स्कॉर्पियन है, टिक है, माइट है, ये जो स्पेसीज है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एरेकनेडा क्लास से बिलोंग करते हैं। और जो हैं, बेड बग हो गया, हाउस फ्लाई है, मॉस्कीटो है, दे बिलोंग टू इंसेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? वो क्या पूछ रहा है? विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट, इट इज़ एन स्पाइडर, विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट, अदर आर इंसेक्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पाइडर जो है वो बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड एरेकनेट्स,
एरेक्निड्स आर अ क्रिएचर विद अ टू बॉडी सेगमेंट, दे हैव एट लेग्स. अभी मैंने देखा कि एट लेग्स होती मीन्स फोर पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, चार पेयर होते हैं लेग्स के, मतलब एक पेयर में दो लेग्स हैं तो आठ लेग्स हो गई. और नो विंग्स, कोई एंटीना नहीं होता है इनके पास. ऑल स्पाइडर्स, जितने भी स्पाइडर्स हैं दे आर प्रेडेटर एंड दे आर मैनी ईट ईच अदर, एक दूसरे को खाते हैं, प्रेडेटर हैं. और जो अभी देखा रेस्ट थ्री ऑप्शन आर इंसेक्ट, दे हैव अ सिक्स लेग्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास छः लेग्स होती हैं एज कम्पेयर टू स्पाइडर विच हैव एट लेग्स. ओके, स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट. इन स्पाइडर्स जो हैं वो इंसेक्ट से डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स के पास होती हैं छः टांगें और जो स्पाइडर होती हैं उनके पास होती हैं आठ टांगें, तो एट लेग्स होती हैं, इस वजह से वो क्या है, वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द इंसेक्ट्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द, विच इज नॉट द इंसेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, कौन सा इंसेक्ट नहीं है इनमें से, तो देख लेते. बटरफ्लाई इज एक्चुअली इंसेक्ट, इज कॉकरोच इज इंसेक्ट, इज मॉस्किटो इज इंसेक्ट, इट इज नॉट ए स्पाइडर. डी विल बी द करेक्ट आंसर. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. स्पाइडर क्या होता है, वो एरेकनिड क्लास से बिलोंग करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल. अब नॉक्टर्नल एनिमल क्यों कौन होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि नाइट में एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं नॉक्टर्नल. तो इसमें आ जाता है मॉस्क्यूटो जो मच्छर हैं, बैट मतलब चमगादड़, ऑल मतलब जो उल्लू है, ये रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते हैं, इस वजह से इन्हें नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं. यही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं. 34 क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉस्क्यूटो. मॉस्क्यूटो के बारे में ये स्टेटमेंट को पढ़िए. ओनली मेल सक द ब्लड, नो इट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही नहीं है. ओनली फीमेल सक द ब्लड, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. जो फीमेल मॉस्क्यूटो होता है, जो फीमेल मच्छर होता है, वही जो ब्लड है बॉडी से सक करता है. जैसे अ फीमेल मॉस्क्यूटो अगर आपको कोई काट रही है तो वो ब्लड को सक करेगी, ठीक है. तो कहते नहीं जो भी डिजीज़ होती हैं वो फीमेल मॉस्किटो की वजह से होती हैं, चाहे फिर वो मलेरिया हो, चाहे फिर वो डेंगू हो, दिस इज़ कॉज बाई ए फीमेल मॉस्किटो, ठीक है. फीमेल सक द प्लांट जूस, नो इट इज़ द, जो मेल जो होते हैं ना वो प्लांट जूस पे फीड करते हैं, तो प्लांट जूस को कौन सक करेगा, इट इज़ अ फीमेल. ओके, इट विल बी मेल नॉट द फीमेल. तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. सो 1 and 3 इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 and 5 आर करेक्ट. डी विल बी करेक्ट. मेल्स हैव अ बिगर विंग्स देन फीमेल, नो इट इज़ अ फीमेल विच हैव अ बिगर विंग्स देन मेल. जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं उनके पास बिगर विंग्स होती हैं उड़ने के लिए और बिगर एंटीनास होते हैं देन कम्पेयर टू द मेल्स. ओके, यही इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन. तो ये कैमल है, पता होना चाहिए. कैमल जो है ना अपने इतना पानी पीता है एक बार में और कुछ पानी सेव करके रखता है अपनी इंटेस्टाइन के अंदर. कैमल्स हैव अ स्पेशल एबिलिटी विच इनेबल इट टू स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ओवर अ सैंडी डेजर्ट हिल व्हेन देयर इज नाइदर वाटर और नो वेजिटेशन. दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सिप ऑफ अ डेजर्ट. दे हैव अ ब्रॉड फ्लैट लीदरी पैड विद अ टू टोस ऑन ईच टू ईच फूट. देयर ब्रीदिंग रेट इज़ वेरी स्लो. ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो होती है. अ कैमल कैन ड्रिंक मोर देन 100 liters ऑफ वाटर एट अ बंस एंड स्टोर दैट वाटर इन द देयर इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर कर लेते हैं अपने पानी को. ओके, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नैक इज होमोलोगस टू. तो ये सलेवरी ग्लैंड है जो वर्टिब्रेट की, उससे होमोलोगस होती है. पॉइजनस ग्लैंड का मतलब क्या है, सांप की जो ग्लैंड होती है पॉइजनस, जिससे कि पॉइजन निकलता है, जहर निकलता है, वो किस बॉडी पार्ट से होमोलोगस है, तो वो रहती है सेलेवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट. तो जो पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक है इज होमोलोगस टू द सेलेवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट. स्नेक वेनम इज एक्चुअली द रिफाइंड फॉर्म ऑफ इट्स सलेवा. पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वॉट. जो पॉइजनस फैंग होते हैं स्नेक्स के, दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वॉट, दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मैक्सिलरी टीथ. जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं उनके मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं क्या, पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक. सो पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ मैक्सिलरी टीथ. दे आर 1 to 3 pairs, यूजली 1 pair ऑफ लॉन्ग कर्ब्ड एंड शार्प एंड पॉइंटेड मैक्सिलरी टीथ अटैच्ड टू द पॉइजन ग्लैंड ऑफ अपर जॉ ऑफ स्नेक. प्लांट ग्रोइंग ऑन द रॉक्स आर कॉल्ड वॉट.
जो भी प्लांट रॉक के ऊपर ग्रो कर जाते हैं उन्हें बोलते हैं लिथोफाइट। क्या बोलते हैं उन्हें? लिथोफाइट। इसे याद कैसे करें? देखो लिथो मीन्स क्या होता है? लिथोस्फेयर से। लिथोस्फेयर से पता होना चाहिए, जो चीज़ पत्थर से बनी हुई होती हैं, जो रॉक की बनी हुई हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिथो। ठीक है, अब फाइट मीन्स अगर कोई प्लांट रॉक के ऊपर ग्रो कर रहा है तो क्या कहलाएगा? लिथोफाइट कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड लिथोफाइट। आंसर विल बी डी, विल बी द करेक्ट आंसर। लिथोफाइट। लिथोफाइट आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन इन और रॉक। दोज दैट ग्रो ऑन रॉक आर ऑल्सो नोन एज एन एपीपेट्रिक और एपीलिथिक प्लांट। लिथोफाइट फीड ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रेन वाटर। जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो रेन वाटर से एक्चुअली लेते हैं। नियर बाई डिकेइंग प्लांट और उनके आसपास जो भी प्लांट हो रहे हैं, जो डिके कर रहे हैं और जो एनिमल डिके कर रहे हैं, उनके टिश्यूज़ का यूज़ करके वो अपने आप को फीड करते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें से कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है? तो वो है पिचर प्लांट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। पिचर प्लांट एक्चुअली इज अ कार्निवोरस प्लांट और एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कार्निवोरस क्यों? क्योंकि कोई एक प्लांट किसी दूसरे स्पेसीज पर, किसी एक स्पेसीज को खा रहा है किसी, तो उसे कार्निवोरस बोलते हैं। अब ये जो प्लांट है वो इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहा है, तो दैट इज़ वाई बी कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। सो कार्निवोरस प्लांट आर अ प्लांट और दैट ईट द इंसेक्ट और अदर स्मॉल एनिमल। कार्निवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो किसी इंसेक्ट को खाते हैं या फिर किसी दूसरे छोटे एनिमल के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट आर ग्रो इन अ सॉइल दैट हैज़ लेस नाइट्रोजन। जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? वो उस सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट हैव अ नाइट्रोजन। कार्निवोरस प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट दे ईट। अब जो कार्निवोरस है उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? जब वो किसी इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रहे होते हैं उन्हें खाने के बाद, वहाँ से वो इंसेक्ट लेते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पिचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इन टू पिचर। अब जो पिचर प्लांट का कौन सा वाला पार्ट है जो कि पिचर बन जाता है? तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ जो होती हैं, वही काम करती हैं एज ए पिचर का। तो पिचर प्लांट इज अ कार्निवोरस प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द पिचर दैट एक्ट एज ए पिटफॉल ट्रैप फॉर द प्रे। द नैरो पिचर लीव्स आर ट्रैपर ट्यूब्स दैट राइजेस अप टू 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड विद द माउथ 6 to 10 feet सेंटीमीटर इन सर्कमफ्रेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बी, ईस्ट को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, सही है। कैसीन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन है, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है। एलोवेरा क्या है? एक एंजियोस्पर्म है, ये भी सही है। जो नेफेंथेस है वो एक पैरासिटिक और एंजियोस्पर्म नहीं है, तो डी विल नॉट बी करेक्ट आंसर। सो पिचर प्लांट को ही नेफेंथेस बोलते हैं। दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड बाई द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, हैंस दे आर ऑटोट्रॉप्स। वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो वो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म नहीं है, वो क्या है? वो ऑटोट्रॉप हैं। क्या है वो? ऑटोट्रॉप्स हैं। कौन ऑटोट्रॉप्स हैं? ये है नेफेंथेस, दे आर द ऑटोट्रॉप्स। यूजली दे ग्रो ऑन सॉइल डिफिशियंट नाइट्रोजन कंपाउंड। और मेनली जो पिचर प्लांट और नेफेंथेस है वो ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं और दे फुलफिल देयर डिमांड ऑफ नाइट्रोजन बाई डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफेंथेस कैसियाना आर रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट आर इज फाउंड इन। नेफेंथेस नाम से ही पता चल रहा है कि जो पिचर प्लांट की एक कोई क्वालिटी है, कोई एक वेराइटी है। इसको रिसेंटली कहाँ फाइंड किया गया है? एक रेयर एंडेंजर्ड प्लांट है जिसे हमने मेघालय से फाइंड किया है। नेफेंथेस खासियाना इज इंडियाज ओनली पिचर प्लांट एंड इज नेम्ड आफ्टर द खासी हिल्स ऑफ मेघालय। जो मेघालय की जो खासी, गारो खासी जयंती वाली जो हिल्स हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, नेफेंथेस खासियाना। सो दे आर मोस्टली फाउंड इन गारो हिल, खासी हिल एंड जयंतिया हिल रीजन ऑफ मेघालय। ओके, टर्मरिक एक्चुअली इज ऑब्टेन फ्रॉम द बिच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो टर्मरिक है, मतलब जो हल्दी है, वो प्लांट के किस पार्ट से पाई जाती है? तो ये है स्टेम।
जो उसका तना होता है, तने से हम क्या ऑप्टेन करते हैं, स्टेम। अब अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं आप रूट लगा के चले जाओगे, लेकिन रूट नहीं है, जो हल्दी हमें मिलती है वो हमें स्टेम उसके जो तने से मिलती है, किससे मिलती है, तने से मिलती है हल्दी। ओके, टर्मरिक इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, दिस इज एक्सप्लेनेशन। इट इज़ अ मेम्बर ऑफ करकुमा बोटेनिकल ग्रुप। जो टर्मरिक है वो करकुमा बोटेनिकल ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि पार्ट है किसका, जिंजर फैमिली ऑफ हर्ब्स, जिंजी बेरेसी का, जिंजी बेरेसी जो एक जिंजर फैमिली ऑफ हर्ब्स उसका पार्ट है करकुमा बोटेनिकल ग्रुप। बोटेनिकल नेम क्या है टर्मरिक का, वो है करकुमा लॉन्ग, करकुमा लॉन्ग बोलते हैं इसे, क्या इसका बोटेनिकल नेम है। सारे करकुमा जो होते हैं दे आर पेरिनियल प्लांट नेटिव टू द सदर्न एशिया। पेरिनियल इन द सेंस मतलब इन्हें हमेशा पानी की ज़रूरत रहती है। दे ग्रो इन अ बाम ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही होती है, और बॉम क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर जो रहेगा वो है 29.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, फिजी हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला रीजन है, यहाँ पर सूटेबल क्लाइमेट होता है किसके लिए, टर्मरिक को, हल्दी को ग्रो करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईटेबल पार्ट ऑफ अ टर्मरिक प्लांट, हमने अभी देख लिया स्टेम जो होता है वो ईटेबल पार्ट है, करकुमा लॉन्ग इसका बोटेनिकल नेम है, कहाँ बिलोंग करती है, नेटिव टू साउथ एशिया है। ओके, इतना सब पता होना चाहिए। द टाइप ऑफ द फ्रूट इन विच लीची कैन बी प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं, नट, नट बोलते हैं। नट फ्रूट आर यूनिलोक्यूलर होती हैं, दे आर बन सीडेड, दैट दीज आर डेवलप फ्रॉम बाई एंड मल्टी कैरपलरी सेना कार्पस एंड सुपीरियर ओबरी, पेरिकार्प इन दीज फ्रूट्स बिकम्स हार्ड और लीदरी, एग्जाम्पल लिची, कैश्यू नट, ट्रूपा एसेट्रा। इन द लिची द सिंगल सीड इज एक्चुअली कवर्ड बाई अ वाइट ट्रांसलूसेंट फ्लैसी एंड एडिबल एरिल। इन बाईसेक्सुअल फ्लावर, जो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इफ एंड रीसियम एंड जीनीसियम मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम, द फिनोमिना इज नॉन एज वॉट, डाइकोगैमी। जो भी बाईसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इफ एंड रीसियम एंड जीनोसियम ने मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम पर अगर मैच्योर करते हैं, जो भी बाईसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर रीसियम और जीनोसियम डिफरेंट टाइम पर जाकर के मैच्योर कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन एज अ डाइकोगैमी। इट इज ऑफ टू टाइप, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगिनी। प्रोटेगनी इज अ कंडीशन ऑफ फ्लावर इन विच फीमेल पार्ट मैच्योर बिफोर द मेल बन, वेल प्रोटेंड्री इज अ कंडीशन वेयर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर ग्रो और मैच्योर बिफोर द फीमेल बन। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज अ मॉडिफाइड रूट, इसमें से कौन सा है जो कि मॉडिफाइड रूट है, तो वो है स्वीट पोटैटो, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें जो पोटैटो आ गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया या फिर जिंजर हो गया, ये जो हैं ये सब स्टेम हैं, टर्मरिक भी स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो है जिसका जिसका जो खाने वाला हिस्सा है स्वीट पोटैटो, उसे हम बोलते हैं क्या, वो क्या है वो, दैट इज एन रूट है इसकी, न कि उसका स्टेम है। स्वीट पोटैटो इज द डिकोटीलेडोनस प्लांट दैट बिलोंग टू द फैमिली कॉर्नबलबलसी एंड स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड रूट कल्टिवेटेड बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट एन स्टेम, किसका स्टेम नहीं है, तो हमने देखा कि जो सुगर कैन हो गया, जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया, इनका जो एडिबल पार्ट होता है वो स्टेम होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, वो उसकी रूट होती है, मतलब उसकी जड़ को हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का वो स्टेम होता है जिसे हम खाते हैं, जिंजर का वो स्टेम होता है जिसका हम कंजप्शन करते हैं, सुगर कैन का वो स्टेम तना होता है जिसका हम कंजप्शन करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम, इसमें से कौन सा स्टेम है, तो वो है बी, जिंजर इज ए स्टेम, जिंजर क्या है, स्टेम है। अभी हमने देखा कि जिंजर का खा, जिंजर हो गया, सुगर कैन हो गया, सुगर कैन हो गया, ठीक है, या फिर पोटैटो हो गया, इनका जो एडिबल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेम।
उसके स्टेम को खाते हैं। लेकिन अगर बात करें टर्निप, टर्निप मतलब सलगम हो गई, कैरेट हो गया या स्वीट पोटैट हो गया, इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, इसकी रूट्स होती हैं, इनकी क्या होती हैं, इनकी रूट्स को हम खा रहे होते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। तो ये है कि मैच करो, मैच दी फॉलोइंग, कि क्या है, कौन सा एडिबल पार्ट है और किससे बिलोंग करता है। राइजोम जो है, राइजोम एक्चुअली इज एडिबल पार्ट ऑफ गिंजर, तो ए का हो जाएगा थ्री, ए का हो जाएगा थ्री। ट्यूबर जो है वो एडिबल पार्ट है पोटैटो का, तो बी का हो जाएगा फोर। बल्ब जो है वो एडिबल पार्ट है गार्लिक का, मतलब लहसुन का। और जो कॉर्म है वो एडिबल पार्ट है जिम्बीकंड सीरम का। तो मैच करो ए का थ्री बी का फोर, ए का थ्री बी का फोर एंड सी का वन, तो आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न, बल्ब एक्चुअली ऑल सब द सेम पर्पस बट इन अ डिफरेंट वे। प्लांट जिसके पास राइजोम होती है उसे बोलते हैं, उस वो हैं जिंजर, टर्मरिक, सुगर कैन। ओके, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पे द ट्यूबर, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पे द ट्यूबर, जिसके पास ट्यूबर होता है, जिसका एडिबल पार्ट ट्यूबर होता है, वो है पोटैटो, कसावा एंड डायलियास। एग्जाम्पल ऑफ बल्ब क्या है, वो है ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, एम्बरलिसिस एंड नार्सिसस। देन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न क्या है, जिमीकंड, क्रोकस एंड कोलोक्सिया। थैंक यू दोस्तों, और ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद आ रही है तो लाइक करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों।